हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिमनास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीपीएड एमपीएड फिजिकल फिटनेस टेस्ट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि फॉर्म कब तक आएंगे और कब तक हमें वेट करना होगा। अब स्टूडेंट्स वेट नहीं कर पा रहे हैं और एनटीए सीयू सेट कोई भी इंफॉर्मेशन उनको नहीं दे रहा है कि जो स्टूडेंट्स अपना वेट करें इतनी डेट तक, उसके बाद जो अपना प्रोसेस जो कंप्लीट करें। तो मेरे पास एक न्यू अपडेट आई, मैंने सोचा कि मैं आप तक पहुंचा दूं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है राइट टाइम पर, तो मैं आपको बता दूं, आपके जो फॉर्म है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीपीएड एमपीएड फिजिकल टेस्ट के जो फॉर्म है, या तो 10 के बाद आएंगे, अगर 10 के बाद नहीं आ पाते तो वो आपके दिवाली बाद आएंगे। तो खिलाड़ी अपनी तैयारी करते रहें निरंतर। जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं और उनके मार्क्स बहुत कम हैं, तो उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सिर्फ और सिर्फ वेट वही करें जिसको लगता है कि मेरा फिजिकल फिट टेस्ट बहुत अच्छा है, मैं अच्छा कर सकता हूं और मेरे अच्छे मार्क्स हैं, तो वो वेट करें, अपना टाइम बर्बाद ना करें, अपनी साल बर्बाद ना करें। जिन स्टूडेंट्स के, जिन खिलाड़ियों के मार्क्स 140 से कम हैं, तो वो किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है अगर उसको मौका मिल रहा है। मेरे पास ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो कॉल मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरे 132 नंबर हैं, 136 नंबर हैं, 139 नंबर हैं। तो मैं आपको बता दूं, उनके मार्क्स जो हैं कम हैं, अगर उनको मौका मिल रहा है तो वो किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर उनको लगता है कि मैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है बहुत बेहतर कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ, तो वो टिके रहें और मुकाबला करें। तो आपके जो फॉर्म है, आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जल्दी आपके फॉर्म आने वाले हैं। मेरे पास न्यू इन्फॉर्मेशन आई तो मैंने सोचा आप तक पहुँचा दूँ। दूसरी बात, अभी भी एक चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही स्टूडेंट्स के कि सर मेरे इतने नंबर है, मेरे को कोई यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। मैं आपको क्लियर कर दूँ, सीयू सेट ने सिर्फ और सिर्फ ठेका लिया था आपके एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, कि आपका एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कराया, फिर छोड़ दिया सारी यूनिवर्सिटियों पर कि आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट कराओ, आप अपने आप कट ऑफ बनाओ और उनको जारी करो। तो सिर्फ और सिर्फ जो ठेका लिया था सीयू सेट, एनटीए जिसको आप बोल रहे हैं, जो संस्था ने करवाया था एग्ज़ाम, उसने सिर्फ आपके एग्ज़ाम तक का उन्होंने ठेका ले रखा था। अब उसके बाद एग्ज़ाम कराने के बाद उन्होंने छोड़ दिया। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, एनआईपी यूनिवर्सिटी ने अपना फिजिकल फिटनेस टेस्ट करा दिया, गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने करा दिया, जीजू का होने वाला है, बीएचयू की अपडेट आने वाली है, और भी यूनिवर्सिटी हैं। तो थोड़ा बिजी होने की वजह से मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा हूँ। जल्दी मैं फ्री होऊंगा। मैंने सोचा था कि और भी यूनिवर्सिटी हैं उनके बारे में आपको बताऊँ, क्योंकि अभी आपको पता नहीं चल पा रहा। एक चौलीचर्स यूनिवर्सिटी है जो कि यूपी में अच्छी यूनिवर्सिटी है, बीपीएड बीएससी फिजिकल एजुकेशन कराती है, उसके बारे में भी आप चेक करते रहें। एक अच्छी यूनिवर्सिटी है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं मैक्सिमम उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जिनको बीपीएड करना है, एमपीएड करना है, बठिंडा यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी का फिजिकल टेस्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर डिपेंड रहते हैं। तो यूट्यूब पर डिपेंड नहीं रहा जाता है, थोड़ा सा अपना भी प्रयास किया जाता है कि थोड़ी सी अपनी तरफ से ही मेहनत करनी होती है कि हम जो साइट को वेट करते रहें, क्योंकि आप फ्री हैं, आपको ये नहीं पता है कोई आदमी कितना जो है फ्री है और कितनी चीज़ों को जो है एफर्ट कर पा रहा है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जो वेट करते रहेंगे तो आपका भी जो है नॉलेज बिल्डअप होगा और आपको भी राइट टाइम पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। वैसे तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बट कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो हमसे भी रह जाती हैं। तो आप लोग, मैं अकेला हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो एक एक स्टूडेंट्स एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में पता करेगा तब भी आपको पता चल जाएगा। नहीं कर पा रहे हैं तो वैसे तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे ही रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये उन यूनिवर्सिटी और उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहते हैं, जिनके टारगेट हैं कुछ स्पेशल यूनिवर्सिटी, बीएचयू, गढ़वाल, जीजीयू, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक मेरे लिए एक हम बोल सकते हैं कि अपने आप में एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कि वो अभी तक टिके हुए हैं कि हम पढ़ेंगे तो उसी में पढ़ेंगे, अदरवाइज हम लेंगे नहीं। अच्छी बात है, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हैं वो किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले लें, अपनी पढ़ाई में लग जाएँ। जिनके अच्छे मार्क्स हैं, फिजिकल टेस्ट अच्छा कर सकते हैं, तो वो टिके रहें। गर्ल्स के लिए मैं बोलूँ कि मैक्सिमम गर्ल्स जो हैं वेट कर रही हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गर्ल्स का उसी का एडमिशन हो पाएगा जो
लड़कों से मुकाबला कर सकती है, जिसका फिजिकल मिड टेस्ट बहुत बेहतर है, सिर्फ और सिर्फ उसी गर्ल्स का एडमिशन हो पाएगा, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा खासा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, कई सालों से चीज़ें देख रहा हूँ, फेस कर रहा हूँ कॉम्पिटिशन। तो जिन गर्ल्स का, लड़कियों का फिजिकल मिड टेस्ट अच्छा नहीं है, तो आपके पास अभी भी मौका है, सुबह शाम मेहनत करो, अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि हम लड़कों को बीट कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो 13 के समथिंग सीटें रहती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है, इसमें भी कैटेगरी डिवाइड हो जाती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल फिटनेस टेस्ट करने की ज़रूरत है गर्ल्स को। तो ये सारी जो है आज की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला था कि आपके फॉर्म कब आने वाले हैं और कब से सारी प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए। तो यही इन्फॉर्मेशन आज के लिए थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।